हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज देख रहे हैं ओला की एस प्रो 1। सो ये येलो कलर में काफ़ी खूबसूरत स्कूटी है। अब इसका लेते हैं रिव्यू और आप स्कूटी है और कैसी रेंज है। सो लेट्स गो करते इसका वॉक अराउंड और दिखाते आपको कैसी वीडियो है। सो लेट्स गो। हे गाइस, ये साउंड और देखिए फ्रंट लाइट। गाइस ये फ्रंट लाइट जो आप देख रहे हो, ये साउंड, ये देखिए डिस्क ब्रेक और ये व्हील अलॉय व्हील। और ये देखिए गाइस, ये लुक है ओला एस प्रो 1 की। ये सीट है जो कि इसका भी सॉफ्ट टच है। ये हॉर्न, ये साइड इंडिकेटर, ये लाइटिंग, ये रिवर्स और ये स्विच, ये स्टार्ट एंड ये पॉज, कॉलिंग कट, कॉलिंग रिसीव एंड कट। और ये पासवर्ड गाइस, बिना पासवर्ड के चलेगी नहीं। ये शीशा गाइस, अब देख रहे विकास पंच लोग। और ये बूट स्पेस खुल गया, तकरीबन 2 हेलमेट प्रॉपर आ सकते हैं इसमें। और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा और वैसे भी ज़रूर दिखा। गाइस ये काफ़ी बड़ा चार्जर है, देख पा रहे हो। और बाइक भी स्कूटी भी काफ़ी हैवी है। और देखिए ये चार्जर है, चार्जर पोर्ट है काफ़ी अच्छा गाइस। और ये रियर में है जो कि प्रेस करने पर खुल जाती है। और ये सॉकेट इसी से ही चार्ज होएगी, अदरवाइज चार्ज नहीं हो पाएगी। ये ओला की एस वन प्रो स्कूटी है। और आपके फीचर भी जान लिए और उसका प्रोडक्ट देखा कैसा है। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा, ये फुट रेस्ट भी काफ़ी अच्छे है, स्मूथली है गाइस। और देख पर ग्राउंड, ये यूएसबी पोर्ट गाइस। और ये स्पीकर, दोनों साइड स्पीकर है गाइस। और इसमें 5 केजी तक सामान कैरी कर सकते हैं। और देखिए गाइस, थोड़ा वाइड लुक दिया गया है इसमें जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख पा रहे हो ये लॉन्ग डिस्प्ले जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी है। ये बटन की जो साइज और कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। और ये वाइड शीशा जो कि आपको अच्छा दिखेगा। ये ओला एस वन प्रो येलो कलर में है। ये डिस्क ब्रेक और व्हील में कनेक्ट है गाइस। और ये मोटर जो कि हब मोटर है। और ये शॉकर दे रखे कि जो इस मोटर में ही इंक्लूड है। ये रियर में एलईडी लाइट है और डीआरएल जो है वो एलईडी है, रिफ्लेक्टर। और रियर में भी डिस्क ब्रेक है। जो टायर है वो है 110/17/12 का टायर है गाइस, जो कि ट्यूबलेस है रियर में MRF का। जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और ब्लैक कलर में अलॉय व्हील है। और जो टायर MRF का है वो है 110/17/12 का टायर है फ्रंट में गाइस, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये शॉकर जो कि अच्छे है, ऐसे पासवर्ड भरा जाता है। और ये पासवर्ड भर दिया और ये चालू हो चुकी है। और ये बूट स्पेस देखते कैसे खुलता है। और ये बूट स्पेस खुल गया, तकरीबन 2 हेलमेट प्रॉपर आ सकते हैं इसमें। और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा और वैसे भी बता। गाइस ये काफ़ी बड़ा चार्जर है, देख पा रहे हो। और स्कूटी भी काफ़ी हैवी है। और देखिए ये चार्जर है, चार्जर पोर्ट है काफ़ी अच्छा गाइस। और ये रियर में है जो कि प्रेस करने पर खुल जाती है। और ये सॉकेट इसी से ही चार्ज होएगी, अदरवाइज चार्ज नहीं हो पाएगी। ये ओला की एस वन प्रो स्कूटी है। और आपके फीचर भी जान लिए और उसका प्रोडक्ट देखा कैसा है। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा, ये फुट रेस्ट भी काफ़ी अच्छे है, स्मूथली है गाइस। और ये यूएसबी पोर्ट गाइस। और ये स्पीकर, दोनों साइड स्पीकर है गाइस। और इसमें 5 केजी तक सामान कैरी कर सकते हैं। और देखिए गाइस, थोड़ा वाइड लुक दिया गया है इसमें जो कि काफ़ी अच्छा है।
आप देख रहे हैं ये लॉन्ग डिस्प्ले, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी है। ये बटन की जो साइज और कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है, और ये वाइड शीशा जो कि आपको अच्छा दिखेगा। ये ओला S1 प्रो येलो कलर में है। ये देखिए स्कूटी, और ये भाई ओनर, क्या नाम भाई? सुमित अरोड़ा। सुमित अरोड़ा, ये कब ली थी आपने इसकी? बुकिंग भी इसकी जुलाई में ही कराई थी। जुलाई में बुकिंग कराई थी और फरवरी में डिलीवरी मिली थी। फरवरी में डिलीवरी ओके। आपने जो अमाउंट दिया था, जो बुकिंग अमाउंट था, वो कितना था? बुकिंग अमाउंट इसका 499 रुपये था, और इसकी डाउन पेमेंट फिर एक महीने बाद कलिंग का आया था, तो उस पर 20,000 रुपये डाउन पेमेंट गई थी। भाई को वो वेबसाइट बताइए जो कि आपने, ओला इलेक्ट्रिक के नाम से गूगल पे आप सर्च करोगे तो ओला इलेक्ट्रिक के नाम से वेबसाइट है जिस पे आप जाके बुक कर सकते हो उसको 499 रुपये से। ओके, और भाई ये मतलब आपने ली, डिलीवरी कैसे आई थी? डिलीवरी इसका घर पर ही आए थे, टेम्पो टैबलेट में लोड करके, तो इसको घर पे ही देके गए थे। आप उस टाइम पे काफ़ी एक्साइटमेंट होंगे कि हाँ डिलीवरी आने वाली है, तो मैसेज आया था? हाँ, पहले मैसेज आया था इनका, और फिर उसके बाद घर पे शॉकेट वगैरह गए थे चार्जर का। ओके। और मेल इंश्योरेंस वगैरह सब मेल पे ही रिसिप्ट हुआ था, तो उसके बाद डिलीवरी आ गई। उसके अलग से चार्ज लिया था जो सॉकेट वगैरह लगाए थे? हाँ, उसके 2359 का चार्ज आपको अलग से लगेगा, तो वो घर पे आके सॉकेट वगैरह वॉल माउंट वगैरह लगा के जाएंगे। ओके, और इसकी जो खासियत है वो क्या क्या है जो आप बताएंगे? इसकी खासियत इसकी यही है कि फ्यूल सेविंग है। ओके, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली, फिर इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है गाड़ी। फिर उसके बाद आपका सारे कॉलिंग फीचर, नेट नेविगेशन वगैरह सब आपको इसी में मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम है इसी के अंदर ही। ओके, और आपकी स्पीड की बात करोगे तो नॉर्मल मोड में रही है 80 के प्लस चली जाती है, 80 प्लस पे। और कितने मोड इसमें टोटल? इसमें टोटल तीन मोड है, एक हाइपर, एक नॉर्मल मोड है जिसमें 80 जाती है, और एक स्पोर्ट्स मोड है जिसमें 95 चली जाती है, और इसका हाइपर मोड है जो 117 की स्पीड चली जाती है। ओके, और हाइपर मोड तो मैं कहता हूँ आप चला ही नहीं पाओगे, इसमें इतनी तेज़ भागती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे इसे। ओके, काफ़ी तेज़ पिकअप पकड़ती है। ओके, हाँ। और इसका जो बैटरी बैकअप है, जो इसका चार्जिंग टाइम है वो कितना है? चार्जिंग टाइम 6 घंटे का चार्जिंग टाइम है अपना, 6 घंटे में आपका वही 140 किलोमीटर की एवरेज देती है। 140 की देती है, हाँ। और आप लॉन्ग रूट पर कहाँ तक गए हो इसको चला के? लॉन्ग रूट तो मेरा डेली का 60-70 किलोमीटर का आना जाना होता है, तो मैं उसमें चला के और अपना डेली चार्ज करके यूज़ कर रहा हूँ। मतलब टोटल ये कितने की पड़ी है, अमाउंट कितना था इसका टोटल? 140 का इसका अमाउंट है, और आपको 20,000 स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी, तो आपको लगभग 120 के आसपास पड़ेगी। 120 के, हाँ। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये? हाँ, वैल्यू फॉर मनी आप देखोगे तो स्प्लेंडर और एक्टिवा जैसी गाड़ियाँ भी 85-90 हज़ार की आती है, 1 लाख के तकरीबन है। तो आप इसे लोगे तो 120 में आपको ये मिल जाएगी, जिसमें आप 120 में आपको ये मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप इसकी फ्यूल की सेविंग कर कर, ये 2 साल अगर आपने चला ली इसको, तो आपकी फ्यूल की सेविंग से इसकी कॉस्ट बाहर आ जाएगी। ओके, अब इसके फीचर में बताइए क्या क्या फीचर, क्या क्या वो है फीचर? जैसे ये आपकी ये लाइटें हैं ये आगे, काफ़ी इसका लाइट का फोकस काफ़ी हाई है, जो नाइट में काफ़ी नाइट इफेक्ट पड़ता है, जो कि ये DRL है, ये LED है, और ये LED लाइट है, LED लाइट है, DRL वगैरह सब है। फिर आगे टच स्क्रीन पे है, और ये इसकी 7 इंच टच स्क्रीन है। प्ले म्यूजिक का ऑप्शन है, जो अभी कंपनी से सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा 1-2 महीने बाद ये सब ओपन हो जाएगा। बाकी आपका ये सारा कितनी बैटरी बची है, कितनी आपने चलाई है, कितनी एवरेज है, कितनी आप स्पीड में आज आप गए, वो सारा इसमें है। सारा नीचे कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, स्टैंड का, ये स्टैंड का ऑप्शन है, हाँ, ये टाइमिंग है, ये किलोमीटर शो हो रहा है, और ये क्या नाम है, डिस्प्ले सेटिंग, और ये पासवर्ड सेटिंग, और ये अबाउट, ये ऑल सेटिंग। एक बार दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स में। ये आपकी डिस्प्ले सेटिंग है, जिसमें आप डार्क मोड, लाइट मोड सब लगा सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा। जैसे ये लाइट मोड करेंगे तो आपकी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। ओके, और डार्क मोड करेंगे तो ये आपकी ब्लैक हो जाएगी। और ये नाइट में के लिए है, वो डे के लिए है। ओके, और ये आपकी ब्राइटनेस है, जिससे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इसी से ही। ओके, और ये फिर इसका आपके साउंड का ऑप्शन है, ये मीडिया वॉल्यूम है, इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, चला सकते हैं ब्लूटूथ, म्यूजिक वगैरह इसमें सब चला सकते हैं। कनेक्टिविटी कंपनी ने कहा है कि अभी 1 महीने बाद हम आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दे देंगे, जिसमें आपके ये सारे फीचर ओपन हो जाएंगे, जो अभी कंपनी की तरफ से लॉक्ड है। ओके, पासपोर्ट सेटिंग है, जो जैसे इसमें चाबी मैंने होता है, चाबी नहीं लगती, तो ये पासपोर्ट से ही ओपन होती है। okay. तो जैसे पासपोर्ट आपने डाला, पासपोर्ट के बाद आपको कोई देख लेता है तो उसको आपको चेंज करना है, तो आपको हाथों हाथ चेंज हो जाएगा। okay. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आती की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें पासवर्ड है, जैसे मोबाइल में पासवर्ड भरते हैं ऐसे ही, की ऐसे ही इसमें ये फीचर है। ये आपके लाइट का ऑप्शन है, इसमें आपकी लाइट के तीनों मोड आप ऑप्शन कर सकते हो, DRL वगैरह सब इसी से ही होते हैं। ये आपका रिवर्स गियर है, जिससे आप इसको रिवर्स में ले सकते हैं। ये आपके दोनों इंडिकेटर हैं, और ये हॉर्न है,
और ये आपका ये मोड है। ओके हाँ, इसमें आप और ये वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा इससे हो सकती है आपकी, और ये म्यूज़िक का है, और ये आपको कॉल उठाना काटना हो तो ये आपसे इससे कॉल रिसीव एंड कट, हाँ रिसीविंग कट वगैरह सब है। ये फ्रंट के डिस्क ब्रेक और ये रिवर्स रियर डिस्क ब्रेक है। ओके हाँ, आपको इसको चलाने के लिए मतलब कितना अच्छा लगा कि हाँ इसको कैसे लगा इसको चलाने में? चलाने में तो बहुत बढ़िया है गाड़ी, और इसको मैंने चलाया तो ये लगा लो कि आप इसका बैलेंस इतना अच्छा है कि लगभग एक और दो पाँच की स्पीड पे भी आप गाड़ी बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पाँच चार पाँच की स्पीड पे भी एकदम गाड़ी बैलेंस बना कर रखेगी। हाँ हाँ, बैलेंस बना कर रखेगी। मतलब ये जो आपकी नंबर प्लेट है ये मतलब कितने दिन में आरटीओ ने लगा के दी थी? ये लगभग स्कूटी रिसीव्ड होने के बाद ही चार पाँच छः दिन बाद घर पर आके आरटीओ खुद लगा गया। खुद ही घर पर? ओके, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए? मतलब किसी बाइक को फाइनेंस कराना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट? वो फाइनेंस का ऑप्शन आपको ऐप में ही मिलेगा, उसमें सारे आपको 3,000 से इसकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपने ईएमआई के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप ईएमआई करा सकते हैं। कैश भी, कैश का और ईएमआई का ऑप्शन, आपको सभी तरह के ऑप्शन मिलेंगे उसी में। ओके, और इसको लेकर आप खुश हो या क्या इसकी? नहीं, मेरे को तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा सेल्स का काम है तो मेरी 4,000-5,000 का महीने का फ्यूल लगता था, और मेरा डेली 50-60 किलोमीटर का रनिंग है। तो अभी मैं इसको, मेरे को 20 दिन रिसीव आए हुए मिले, रिसीव करे हुए हुए हैं, तो अभी मैंने इसको 800-900 किलोमीटर चला दिया है, तो मतलब मेरा लगभग ये लगा लो कि 2 से 2.5 हज़ार रुपये का फ्यूल सेव हो चुका है अब तक 20 दिन में। ओके हाँ, मतलब आप यदि इसको नंबर देना चाहोगे 100 में से कितने नंबर दोगे? 100 में से नंबर तो अभी तक तो मुझे यही है कि 100 में से 100 ही नंबर है, बाकी आगे कोई इशू आता है तो उसका फ्यूचर के बाद तो बतानी है, अभी तो कुछ, अभी तो ठीक चल रही है। नेगेटिव कोई नहीं है। ओके, और रोड अपीयरेंस इसका इतना अच्छा है कि रोड, आप सड़क पे निकलोगे तो आपको लोग जरूर पूछेंगे कि आप शायद सुबह से शाम तक परेशान हो जाओगे इसके बारे में बताते बताते। हाँ, लोग इसके बारे में आपसे बहुत पूछेंगे कि क्या कितने के लिए, कितने की पड़ी, और इसको तारीफ भी बहुत मिलेगी, तो आप ये लगा लो कि शहर के एक तरीके से वीआईपी हो जाओगे। ओके, मतलब सेलिब्रिटी बन जाओगे कि हाँ भाई कुछ प्रोडक्ट ले रखा, जो प्रोडक्ट ले रखा है। ओके, और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसा है लगा इसका? ब्रेकिंग सिस्टम दोनों डिस्क ब्रेक हैं और काफ़ी इफेक्टिव है जो आप है। हाँ, मतलब बाय द वे आप अचानक कोई बंदा या कोई कार आ जाती है तो रुक जाएगा? रुक जाएगा। ओके, विकास पंचाल ब्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू। सो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूं ही प्यार बनाते रहे, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय, आप, थैंक यू सो मच।